कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों की ट्रैक्टर रैली गोहाना सब्जी मंडी में आज। ट्रैक्टर रैली के जवाब में एक और ट्रैक्टर रैली। जी हां, हम आपको बता दें कि गोहाना की सब्जी मंडी में आज एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करेंगे किसान कृषि कानूनों को पारित कराने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं सोनीपत के भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जो ट्रैक्टर में सवार है और ट्रैक्टर रैली में पहुंचे हैं यहां गोहाना स्थित सब्जी मंडी में। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में और मैं इस समय मौजूद हूं बड़ौदा विधानसभा में। जी हां, बड़ौदा विधानसभा में गोहाना में आज एक और ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। ट्रैक्टर रैली के जवाब में एक और ट्रैक्टर रैली। हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ बड़ौदा विधानसभा के किसान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए कृषि कानूनों के पारित होने के बाद तमाम जो किसान हैं वो यहाँ गोहाना में पहुंचेंगे और धन्यवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान ट्रैक्टर रैली के माध्यम से। हमारे साथ बात करने के लिए सोनीपत के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के मोहनलाल बडोली जी। आइए चर्चा कर लेते हैं विधायक जी, किस तरह का आज जो ट्रैक्टर रैली को लेकर के तैयारियाँ हैं, कितनी तैयारियाँ हैं आपकी? आज किसानों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अध्यादेश किसानों के हित के लिए जारी किया है उसके समर्थन में किसान स्वयं की अपनी प्रेरणा से जी सभी गांव से जो बड़ौदा विधानसभा के 54 गांव हैं उन सभी गांव के किसान अपना ट्रैक्टर लेके उस पर पार्टी के झंडे लगा के और ढोल धमाके के साथ पूरी तरह से किसान आज अपने प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ हैं उनका धन्यवाद करने के लिए किसान धन्यवाद रैली है ये जी। और ये किसानों का प्रोग्राम है सारा, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ जी रहने वाले जी। अच्छा विधायक जी, आप अध्यक्ष भी हैं जिले के और कल भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समन्वय समिति की बैठक है, किस तरह की बैठक है और क्या कल ही प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी? ये बैठक होने के बाद पता चलेगा बैठक में क्या होने वाला है जी। इतनी जानकारी मैं आपको भी दे दूँ कि कल 2 बजे चुनाव के लिए बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और जो टिकटों के लिए फैसला जिस कमेटी ने करना है जी। उस कमेटी के सभी सदस्य उसमें रहेंगे जी। और उसके बाद जो भी पार्टी फैसला करेगी, क्योंकि ये रूटीन की प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ही इसी प्रकार से टिकटों का वितरण होता आया है कि प्रदेश में एक बैठक होती है उसके बाद सेंट्रल जो अपना केंद्रीय चुनाव समिति है वो उसका फैसला लेती है, वो उसी प्रकार की ये प्रक्रिया है। चुनावी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँ, बड़ौदा में इस समय सारी पार्टियाँ तमाम पार्टियाँ उतर चुकी हैं, इनेलो की मैं बात करूँ, कांग्रेस की मैं बात करूँ, तो भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष होने के नाते कितनी तैयारियाँ हैं और क्या समझते हैं, क्या खास मुद्दे रहने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की अपनी तो तैयारी है ही है जी। आज बड़ौदा विधानसभा की जनता ने भी तैयारी बना ली है कि जब भी पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर आएगा उसको जिताने का काम करेंगे और बड़ौदा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर जाएगा। विपक्ष के लगातार जो विपक्ष कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस इलाके में सक्रिय नहीं रही है, चुनाव के बाद सक्रियता बढ़ी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही पूरे हरियाणा प्रदेश, आज तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हरियाणा प्रदेश में भी 10 के 10 हमारे सांसद है, सरकार है, उसके बाद भी अगर वो मानते हैं तो ये उनकी सोच है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रह के काम करने वाली है और किसानों के, व्यापारियों के, कर्मचारियों के, खेतीहर मजदूर के कोई वर्ग आज ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो। ये भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की ये ताकत है, ये हिंदुस्तान की जो 135 करोड़ लोग हैं उनकी दी हुई ताकत है। इसको कुछ विपक्ष के लोग जो है ना, जो अपना झूठे नाम से, मैं कहूँगा बहुत सारे लोग तो अपना नाम बदल के भी राजनीति कर रहे हैं, वो लोग इसी प्रकार से अनाप शनाप बातें करते रहते हैं और वो हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी काम करने वाली पार्टी, जो कहती है वो करने वाली पार्टी, ऐसी पार्टी है। अध्यक्ष जी, आपका एक गाना भी वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें आप लगातार प्रचार करें कि कांग्रेस का झूठ नहीं बिकने देंगे, क्या है ये झूठ? ये जनता की आवाज़ है जी। जब कोई कवि कोई रचना करता है, जब कोई अपनी कविता बनाता है
वो उसकी आत्मा की आवाज़ होती है, ये जनता की आत्मा की आवाज़ है। वो कवि ने अपनी कल्पना उसमें करी है, वो एक बहुत सुंदर सॉन्ग उसने बनाया है। रॉकी मित्तल जी का भी अभी जो आज गाना आया है वो भी इसी प्रकार से, वो सबकी अपनी भावनाएं हैं। जी हाँ, और आपने देखा कि बड़ौदा में चुनावी रणभेरी बच चुकी है और उसकी शुरुआत आज गोहाना की इस धरती से। किसान पहुंच रहे हैं भाजपा के समर्थन में। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करने के लिए कृषि किसान कानून पारित करने की एवज में यहां पर बड़ौदा विधानसभा और आसपास के क्षेत्र से किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर के इस रैली स्थल पर पहुंचेंगे। और मैं यहाँ रैली स्थल पर मौजूद हूँ, मंच सज चुका है और कुछ ही देर में यहाँ पर रैली की तैयारियों को लेकर के सोनीपत के जिला अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली यहाँ पहुंच चुके हैं और जो तमाम तैयारियां हैं हमने आपको दिखाया है कैमरे की नजर से। बड़ौदा में इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और विभिन्न पार्टियां अपनी प्रत्याशियों को लेकर के घोषणा जल्द ही करने वाली हैं और इसको लेकर के टीम समाचार कैरी यहां पल पल की खबरों आप तक पहुंचाने के लिए लगातार तत्पर है। आप देख सकते हैं तैयारियों को लेकर के जिस प्रकार से यहां पर तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी है कार्यकर्ता वो पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में यहां पर ट्रैक्टरों के आने के लिए पूरी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और यहां पर ट्रैक्टर में सवार होकर के किसान यहां पहुंचेंगे और यह जो धन्यवाद रैली है यह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आयोजित की गई है जिसमें किसान कृषि कानूनों को पारित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने वाले हैं। गौरतलब है कि इस रैली की अगुवाई जो अध्यक्षता है मुख्य अतिथि हैं वो हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ यहां पर मौजूद रहेंगे, वो मुख्य अतिथि हैं और उनकी अगुवाई में यह रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एक संदेश देने की कि हरियाणा में किसान इन कृषि कानूनों से सहमत हैं। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि रैली में कितनी भीड़ पहुंचती है और किस प्रकार से यह रैली क्या संदेश देती है बड़ौदा की जनता को आने वाले चुनावों में। साथी हिमांशु के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।